अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप। अब ये ऑर्गन पाइप क्या होता है? ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके अंदर ये लॉन्ग ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर एक एंड से आप एयर को फोर्सली इंटर करते हैं और एयर कॉलम वाइब्रेट करते हैं, एज ए रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दो तरह से हो सकता है ये, यानी इसकी दो टाइप्स हैं कह लें, ऑर्गन पाइप विद बोथ एंड्स ओपन, ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, और दूसरा ये होगा कि ऑर्गन पाइप विद क्लोज्ड रिफ्लेक्टिंग एंड, एक एंड क्लोज होगा एक एंड ओपन होगा, वो दूसरी टाइप है। पहले देखेंगे ऑर्गन पाइप विद बोथ एंड्स ओपन। तो इसमें एयर जब आप फोर्सली इंटर करेंगे तो उसके अंदर जो एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हम जो है वो नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, और फिर नंबर ऑफ लूप्स जो है उनको चेंज करके देखेंगे। तो देखें ये फंडामेंटल लूप, पहली लूप की बात करेंगे, यहाँ से एयर इंटर होगी, ये देखें जब ओपन एंड होगा एयर एक्सपेंड होगी, डेफिनेटली वहाँ एंटी नोड बनेगा, और जब वो अंदर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो नीचे, इधर वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर, यहाँ वो मीट करेंगे तो यहाँ वो नोड बनाएंगे। तो नोड बनाने के बाद ये नीचे आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इस एंड पे ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ फिर दोबारा एंटी नोड बन गया। तो देखें अब स्टार्ट एंटी नोड से था, फिर नोड बना, फिर एंटी नोड बन गया। तो अब इसमें जो लेंथ है वो आप कैलकुलेट करेंगे, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, λ1 क्या आ जाए क्योंकि ये फर्स्ट लूप है, तो λ1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आप 2L आ जाएगा आपके पास। फिर आ जाएँ उस पर वेव इक्वेशन पे, v = f λ होता है, f1 λ1, f1 निकालना तो v/λ1 आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, f1 = v/λ1 की क्या आ जाएगी, 2L। ठीक है जी, इसी तरह अब आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब सेकंड लूप देखिए, सेकंड लूप में ये होगा कि हम नंबर ऑफ, मतलब ये तो एक ही लूप हमने बनाई, अगर ज़्यादा फोर्सली इंटर करेंगे एयर को तो डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम वाइब्रेट करेगी, तो उसी के अंदर हम जो है वो, ये देखें यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इधर नीचे, इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर ऊपर, और यहाँ वो मीट करेंगी, वहाँ क्या बन जाएगा नोड, इसने नीचे आना है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा यहाँ ओपन एंड है तो एंटी नोड बन जाएगा, यहाँ मीट करेगी, यहाँ एंटी नोड बन रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ फिर मीट करेगी, यहाँ फिर नोड बनेगा, फिर यहाँ ओपन एंड है, यहाँ फिर एंटी नोड बन जाएगा। तो ये देखें ये एंड एंटी नोड, फिर ये बीच में नोड, ये एंटी नोड, फिर ये नोड, फिर ये एंटी नोड। अब लेंथ कैलकुलेट करें दोबारा, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड λ/2। ठीक है जी, तो अब देखें इसको, ये आ जाएगा λ2, तो ये लेंथ की वैल्यू आ गई। फिर देखें आप नेक्स्ट वही v = f λ यूज़ करें, f2 निकालना है तो v/λ2 आएगा, तो f2 निकालेंगे तो v/L आ जाएगा। तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 डिवाइड भी कर दें, v/2L आपको पता है ये f1 के बराबर है, तो 2 f2 बराबर आया 2f1। आपने यानी एयर जो है वो ज़्यादा फोर्सली इंटर की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई। अब आ जाएं थर्ड मोड पे, थर्ड मोड में हम क्या करेंगे, और ज़्यादा फोर्सली एयर को इंटर करवाएंगे पाइप के अंदर, डेफिनेटली और ज़्यादा लूप्स बढ़ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, ये देखें यहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पे मीट कर रही है, ये नॉड बन रहा है, उसके बाद ये यहाँ पर रही है एंटी नॉड, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वापस इधर, ये भी इधर मीट करेंगी, ये नॉड बन गया, फिर ये एंटी नॉड, और ये वापस यहाँ पे, फिर ये मीट करेंगी यहाँ पे, यहाँ पे वो इधर, और फिर ये इधर आ गया। ठीक है जी, ये हो गया जी एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड। अब इसमें कैलकुलेट करें, देखें एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड λ/2। तो अब ये आ जाएगा 3λ/2, λ3 निकालेंगे तो ये 2L/3 आ जाएगा, 2 × 3 डिवाइड, v = f λ, f3 λ3।
तो लैम्डा थ्री जो है वो तो वी के नीचे डिवाइड कर दें, अल्फा आ जाएगा आपके पास वी ओवर लैम्डा थ्री, तो वी ओवर 2L/3, तो एफ थ्री क्या आ गया, 3 × V/2L, तो V/2L आपको पता है F1 है, तो 3F1 बन गया। इस तरह आप सोन आप चलते जाएँ तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा एट दी एंड, जनरली मैं यही लिख देता हूँ, वो बनेगा Fn=n×V/2L। नंबर आता जाएगा ना कोई, ये साथ F1 चलता रहेगा, या फिर यूँ लिख लें इसको Fn=nF1, और n जो होगा वो 1, 2, 3 एंड अप टू 100। तो ये उसकी जो है ना वो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज आ गई जिसके साथ एयर कॉलम जो वाइब्रेट कर सकता है ओपन एट बोथ एंड ऑर्गन पाइप के अंदर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गन पाइप विद क्लोज रिफ्लेक्टिंग एंड। ये अब देखें ऑर्गन पाइप विद क्लोज रिफ्लेक्टिंग एंड, इसमें ये होगा तो रिफ्लेक्टिंग एंड क्लोज होगा तो हमेशा क्लोज एंड पे एयर कंप्रेस हो जाएगी, लाजमी बात है वहाँ जो है ना वो नॉड बनेगा। ये फंडामेंटल लूप, पहली पहली देखें आप एयर का जो है ना वो फिल्टर करवा रहे हैं, तो वो एक ये देखें यहाँ पर कंप्रेस हुई तो ये नोड, ये ओपन एंड तो ये एंटी नोड, तो पहली रे तो ये एंटी नोड से नोड आपको पता है λ/4 होता है, तो λ1 जो है वो 4L के बराबर आ गया। फिर आ जाए वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है F1 λ1, F1=V/λ1, तो F1=V/4L। यहाँ देखें वहाँ थी V/2L, यहाँ आई है V/4L, तो मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज है। और फिर ये भी होगा कि इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो पॉसिबल नहीं होंगी जैसे वहाँ थी, तो अभी देखते हैं आपको पता समझ आ जाएगी ये बात। ये अगली लूप के बारे में हम बात करेंगे, इसमें ये होगा कि तो यहाँ देखें क्लोज लूप फिर दोबारा, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ मीट हुई नहीं, यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड स्टार्ट से, तो देखें एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, फिर आगे आ जाए एंटी नोड से नोड है λ/4, तो ये 3 बनेगी, मतलब इसमें 2 नहीं आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं ऑड नंबर आता रहेगा। इसका एलसीएम लें देखें 4 आ जाएगा, ये 2λ3 और फिर λ3, तो 3λ3/4λ3 क्या आया 4L/3। तब आप वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो V=F3 और λ3 आ जाएगी, तो F3 जो होगा वो V/λ3, तो आप λ3 की वैल्यू पुट करें तो वो देखें 4/3 ए 4L/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3×V/4L, तो देखें ये क्या आया 3F1 आया, क्योंकि V/4L F1 के बराबर है। F2 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ एक एंड क्लोज कर दिया गया, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो स्किप हो जाएंगी, तो इसमें ज़्यादा हार्मोनिक्स नहीं आएंगी, वहाँ हार्मोनिक्स सीरीज कंटिन्यूस थी, यहाँ कंटिन्यूस नहीं, सिर्फ ऑड नंबर की फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है यहाँ पे। तो अब अगला लूप देखते हैं, अगले लूप में आप एयर इंटर करेंगे, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ मिलेगी ऑड बनाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर नीचे, इधर से रिफ्लेक्ट होके फिर ऊपर, यहाँ फिर मीट कर रही है, यहाँ नोड बनेगा, यहाँ फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से फिर नीचे एंटी नोड और यहाँ मीट करेंगी एट दी एंड, क्लोज एंड पे नोड बन जाएगा, यहाँ पे ये पाइप क्लोज हुआ, यहाँ एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, फिर ये नोड, फिर एंटी नोड, फिर ये नोड। यहाँ भी आप लैम्डा कैलकुलेट करें, देखें एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, अब ये 5 वाली बनेगी, एंटी नोड से एंटी नोड λ/5/2, फिर नोड से एंटी नोड λ/4। एलसीएम ले लें इसका, ये आ जाएगा 2λ, फिर आ जाएगा 2λ, फिर आ जाएगा λ, तो ये आ जाएगा टोटल 5λ/4, तो λ5 अगर निकालें तो 4L/5 आता है। फिर आ जाए फ्रीक्वेंसी पे, V=F5/λ5, F5 निकालिए, V/λ5 कर दीजिए, λ5 की वैल्यू 4L/5 है, तो 5 ऊपर लेके जाइए,
फाइव इंटू वी ओवर फोर एल, तो वी ओवर फोर एल जो है उसकी जगह आप एफ वन लगा दें। तो इस तरह देखें, ऑड नंबर आए जाएंगे, सेवन आ जाएगी, नाइन आ जाएगी, अप टू सॉन। तो अब जनरली ये लिख दें, देखें एफ वन इज इक्वल टू एन वी ओवर फोर एल, ये एफ एन आ जाएगा। या फिर यूँ लिख दें कि एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, और जो एन है वो वन थ्री फाइव एंड अप टू सॉन। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो बोथ एंड ओपन था, यानी कि वो ज़्यादा रिचर है, ज़्यादा हार्मोनिक्स उसमें हैं और इसमें हार्मोनिक्स कम है। तो यहाँ वेवलेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से, एन इज इक्वल टू फोर एल बाय एन कर दें। यहाँ से आप वेवलेंस जनरली फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए टू एल था, इसके लिए फोर एल है। तो ये याद रखते हैं क्लोज एंड के लिए और ओपन एंड के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें काफ़ी है इससे, इसके इसी फार्मूले से, ये जो जनरली आपने डेवलप किए हैं एन वाले और बोथ एंड ओपन वाले भी और क्लोज एंड वाले भी। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक होगा हमारा डॉपलर इफेक्ट, वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।